गाइस कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं गाड़ियों के रिलेटेड ही, वो सभी गाड़ियों के रिलेटेड है, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो। करते हैं आपको आगे अपडेट। गाइस गुड मॉर्निंग, राम राम सभी भाइयों को। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे एक नए और ब्लॉग में। तो दोस्तों घर से तो निकले हैं काम के लिए, पर बारिश हो रही है, सुबह से मौसम ख़राब है। सुबह से क्या कहें, तीन दिन हो गए मौसम ख़राब है, आज भी बारिश पड़ रही है, तो उसकी वजह से काम बहुत ज़ीरो है। पर आज हम आपसे कोई अर्निंग रिलेटेड बात नहीं करने वाले, आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जो आज सरकार ने इस फरवरी महीने में एक नया कानून लागू किया, मतलब लागू पहले से था पर उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा बढ़ा दी है। तो वो सभी गाड़ियों के लिए जी, टू व्हीलर हो चाहे थ्री व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, सभी गाड़ी के लिए वो कानून बढ़ा दिया। और इस फरवरी महीने से उस कानून के ऊपर कई गाड़ियों के चलान हो भी चुके हैं और अब होंगे भी। तो वो है तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पर इस महीने से उसकी सख्ताई बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, वो क्या है वो तो मैं वीडियो में आपको आगे अपडेट करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अंकित सिंह ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। हाँ, तो आज मैं आपसे बात करने वाला था कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक ऐसा रूल निकला, रूल तो बहुत पहले का निकला हुआ है, पर इस महीने से उस पर सख्ताई बहुत ज़्यादा होने वाली है और आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखो जी, चाहे वो टू व्हीलर गाड़ी है, चाहे थ्री व्हीलर है, चाहे फोर व्हीलर है, ट्रक बसेस है, वो रूल सभी के लिए लागू होता है जी। और यह एक बहुत छोटी सी चीज़ है, पर उस चीज़ के अगर वो चीज़ अगर गाड़ी में लगी हो तो उससे बहुत सेफ्टी भी होती है, जो ड्राइव कर रहा है उससे भी, और जो पीछे से अगर कोई व्हीकल आ रहा है या जा रहा है या पासिंग कर रहा है तो उसकी भी सेफ्टी होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा रोड के ऊपर, तो देखा होगा चाहे वो कोई टू व्हीलर जा रहा है, थ्री व्हीलर जा रहा है या कोई कार जा रहा है, आपने देखा होगा अक्सर में साइड मिरर लगे होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा मैं गाड़ी के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बारिश पड़ रही है। जैसे साइड मिरर लगे होते हैं, ये लगा मेरी गाड़ी में और एक इस साइड लगा हुआ है जी, ये आपको मैं दिखाता हूँ, एक ये लगा हुआ। तो सरकार ने इस महीने इसके ऊपर सख्ताई करती है जी, साइड मिरर पर चलान करने शुरू कर दिए हैं। है तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, पर ये चीज़ हर गाड़ी में लगी, साइड मिरर हर गाड़ी में लगे होने चाहिए, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे थ्री व्हीलर, चाहे फोर व्हीलर है, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए, एक तो सेफ्टी का बहुत काम पर्पज़ पे बहुत यूज़ होते हैं। क्यों, जैसे हम किसी को पीछे से कोई आ रहा है उसको देखने के लिए, जब अगर शीशा लगा तो हम देख लेते हैं पीछे से कोई क्रॉसिंग तो नहीं कर रहा, कोई आ तो नहीं, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, तो उससे हमारी सेफ्टी होती है। ठीक है, अब कई गाड़ियों में जैसे आपने देखा होगा, मोस्ट जो टू व्हीलर्स चलते हैं रोड पर, चाहे वो बाइक या एक्टिवा है, वो इस चीज़ को तुड़वा देते हैं। क्यों, कि अच्छे नहीं लगते भाई। पर आपको पता होना चाहिए कि बहुत काम आते हैं जी, इससे किसी की जान बच भी सकती है और अगर ना लगे तो किसी की जान जा भी सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बहुत पहले था, पर ट्रैफिक पुलिस वगैरह या ये चीज़ इस पर इतना ध्यान नहीं देते, पर गवर्नमेंट ने इस महीने फरवरी महीने में इस चीज़ पर बहुत सख्ताई करती है कि सभी के ये साइड जो मिरर है, चाहे वो बाइक है, चाहे थ्री व्हीलर है, चाहे कार है, चाहे बसेस हैं, सब पे साइड मिरर लगे होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, इससे इस शीशे की ना लगे होने की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं रोड पर, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी है। और अगर देखा जाए, अगर चलान की बात करी जाए, तो ये चलान कितने तक का जा सकता है जी, देखो हर शहर में इसके अलग अलग रेट हैं। ठीक है, अगर मैं अपने यहाँ पंजाब लुधियाना शहर की बात करूँ, 500 से लेकर 1000 रुपये तक का इसका चलान है। ठीक है, पर ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो पर पहली बार आया है, या जो मेरी वीडियो, जो मेरे साथ पहले से मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो मेरी फैमिली जुड़ी हुई है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये साइड मिरर अपनी गाड़ी में भी लगवाइए, अगर जिनके नहीं लगे हुए, अगर टूटा हुआ है तो उसको चेंज करिए, अगर मिरर लगा हुआ है और उसको टूटा हुआ है तो उसको भी रिप्लेस कराइए, क्योंकि उसका भी चलान है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट दिया है जी इस फरवरी में गवर्नमेंट ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी ही स्टेटों को, कि ये साइड मिरर अनिवार्य करिए हर गाड़ी के ऊपर, क्योंकि इसकी वजह से कई बार अगर ना लगा हो तो बहुत से रोड एक्सीडेंट होते हैं, अगर ये लगा हो तो बहुत सी जानें बच भी जाती हैं। क्योंकि अगर हम कई बार क्या देखते हैं, आपने रोड पे देखा होगा, लोग क्या करते हैं, पीछे नहीं देखते, साइड में नहीं देखते, सीधा गाड़ी मोड़ देते हैं। ठीक है, वो जो कोई पीछे से आ रहा होता है तो वो सीधा या तो गाड़ी में लगता है या वो एकदम से ब्रेक मारता है तो पीछे वाली गाड़ी उसके अंदर, दूसरी गाड़ी के अंदर आके लग जाती है, दूसरे से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए इस महीने गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर बहुत सख्ताई की है। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो पाए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, कई लोग कहेंगे कि यार इससे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर भाई साहब जिस बंदे की ज़िंदगी गई हो ना, एक इस छोटी सी चीज़ से भी, तो बहुत मायने रखता है। तो इसलिए पाए छोटी सी चीज़ है, चाहे ज़्यादा महंगी नहीं है, 250-300 रुपये के टोटल अगर देखा जाए, दोनों शीशे 250-300, 100-150, 200-250, 300 के आसपास आ जाते हैं। हाँ, गाड़ियों के महंगे आते हैं मैं मानता हूँ, पर इस छोटी सी चीज़ से किसी की जान बच सकती है भाई। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जिनके नहीं लगे वो लगवाएं और जिनके ख़राब हैं उनको रिप्लेस करके नए लगवाएं। ठीक है,
अब बाकी बात रही चालान की, देखो भाई गवर्नमेंट सख्ताई की है, कभी भी हो सकता है, इस चीज़ को इग्नोर ना करें। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, और मैं आपको इसलिए ये चीज़ बताता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो आपको पता ही है भाई कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, अपने काम के बारे में आपको बताता हूँ। अगर कोई मेरे को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं से, कोई गवर्नमेंट अपना कोई नया रूल आता है या कोई पुराने रूल को अपडेट किया जाता है या कोई कानून में सख्ताई की जाती है, अगर मेरे को जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों को देता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देता हूँ भाई, ये भी मैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह या अपना क्या कहते हैं जो लोकल न्यूज़पेपर्स आते हैं, ठीक है, उस माध्यम से पढ़ के आपको रिसर्च करके देता हूँ। तो भाई बहुत मेहनत लगती है इस सब चीज़ के लिए, तो अब भाई रिक्वेस्ट है जिन लोगों के गाड़ी पर ये शीशे नहीं लगे तो लगवाएं, और ख़ुद भी सेफ चलें और जो दूसरा आ रहा है उनको भी सेफ रखें, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।